आलू मटर की सब्जी बनाई हूँ, बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट। तो आइए मैं बताती हूँ कि आलू मटर की सब्जी मैं किस तरह से बनाई हूँ। तो एक बार ये रेसिपी को आप जरूर देखें, और देखेंगे तो आपको बनाने के बार बार मन करेगा और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। एक बार जरूर इस रेसिपी को आप देखें। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ, चलते हैं किचन की तरफ। तो मैं आज बना रही हूँ मटर आलू की सब्जी। तो मटर आलू को छिलियाँ काट लिया छोटे छोटे पीसों में, और मटर को भी छिलियाँ, टमाटर को भी काटेंगे। और ये हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, तो जीरा डालते हैं। तो जीरे से खुशबू आने लगी है, चटकने की आवाज भी समाप्त हो चुकी है। तो अब इसमें आलू डालेंगे। टमाटर भी काट लिए हैं, तो आलू को फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें अदरक को कूट लिए हैं, 2 इंच अदरक लिए थे। अब इसमें मसाला मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच। थोड़ा सा और डाल देते हैं, और इसमें पानी मिक्स करते हैं। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आलू फ्राई हो चुका है, इसमें मसाला को खुशबू आने तक भून देंगे। मसाले से खुशबू आने तक भूनेंगे, इसलिए कि जब मसाले में से खुशबू आती है तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन जाते हैं। इस जगह पे मटर डाल देंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को गलने तक पकाऊंगी। नमक स्वाद अनुसार, टमाटर डल चुका है। अब इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डालें, तो
ये हो गया, एक सीटी लगा देते हैं। तो कुकर में इसे मैं डाल देती हूँ। तो इसमें एक गिलास पानी डालें और इसमें एक सीटी लगाएंगे। तो लगने देते हैं सीटी। तो गैस बंद कर दिया। चलिए निकाल के दिखाते हैं सब्जी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ये हमारा आलू मटर की सब्जी तैयार है। आप भी बनाएं और खाएं, चावल के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, जिसके भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं इस तरह से आलू मटर की सब्जी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।